नमस्कार बिहार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने परिवार परीक्षा प्लस में। बिहार का जो टीचर की वैकेंसी है, जो ऑलमोस्ट 1.78 लाख वैकेंसी आपकी आने वाली है, पूरा इसका एक तरह से बोला जाए गवर्नमेंट का मोहर लग चुका है, सरकार की मोहर लग चुकी है कि ये वैकेंसी आपको जल्द जल्द देखने को मिलेगी, इसी माह के अंत तक मिलेगी। रही बात प्राइमरी की वैकेंसी कितनी, इसमें काफी बच्चे पूछ रहे हैं, तो इसमें जो प्राइमरी की वैकेंसी सबसे ज्यादा 85,000 प्लस वैकेंसी आपकी प्राइमरी की है। अच्छी खासी सैलरी भी बहाल हो गई है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी, 40,000 से लेकर आपके ऑलमोस्ट 60,000 तक के सैलरी का डिस्कशन हुआ है, वो सब मैं अलग वीडियो में बताऊंगा। अभी जो मेन बात है कि आप लोग तैयारी करना स्टार्ट कर दें, क्योंकि आपके पास एकदम समय नहीं है। अब तैयारी कैसे करोगे, कहोगे सर जी अभी सिलेबस आया नहीं है। नहीं भैया, सिलेबस सब आ चुका है एकदम। तुम लोग बयान देखे होंगे बीपीएससी के सचिव का, आप लोगों को मैं वीडियो दिखाऊंगा वो, कि उन्होंने कहा है कि जो भी एस्पिरेंट हैं वो सभी लोग तैयारी शुरू कर दें। सिलेबस आपका वह रहेगा जो बीपीएससी के प्रधान अध्यापक का रहा है। साफ साफ शब्दों में यही बोले हैं कि जो आपके हेडमास्टर का एग्जाम हुआ था उसी के अप्रोक्स में आपका सिलेबस डिजाइन किया जाएगा। और सिलेबस डिजाइन में जो है उन्होंने बोला है शिक्षा विभाग और बीपीएससी दोनों एक साथ मिलकर इसका जो एक तरह से बोला जाए सिलेबस डिजाइन करेगी। तो ये सब कंफर्म हो चुका है आपका। इसी माह के अंत में कब आ जाएगा नोटिफिकेशन, इस माह के अंत में नोटिफिकेशन आ जाएगा, सिलेबस भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और एग्जाम एक महीने के बाद आपका पूरा एक महीना तो आपका फॉर्म फिलअप में जाएगा, और एग्जाम ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपका अगस्त तक, ठीक है, एक डेढ़ महीने के बाद आपको मौका मिला जाएगा एक तरह से। फॉर्म का एक महीना ये हो गया, डेढ़ महीना और मान के चलिए तो एक अगस्त तक अनुमाना लगाया जा सकता है कि आपका एग्जाम भी हो जाए, बीपीएससी कंडक्ट करा ले, और बहुत तेजी से कंडक्ट कराती है बिहार पीसीएस। आप देखते हो गए कितना जल्दी जल्दी चीजें कर लेती है बीपीएससी। तो उसी हिसाब से जब बीपीएससी को मिला है, उसके पास सेंटर भी है, 800 से प्लस सेंटर है, हर जिले में है उसके बिहार के सेंटर, तो उसके लिए कुछ नया नहीं करना है, सब कुछ उसका बना है। बस ये आपका जो बोला गया पोस्ट का अध्याचन उनको मिलते ही एक हफ्ते के अंदर वो आपका नोटिफिकेशन निकाल देंगे, उन्होंने यही बोला है। तो अगर हम बात करें कि सिलेबस क्या होगा, सबसे बड़ा तो तैयारी कैसे करें, क्या इसमें शिक्षा शास्त्र आएगा या नहीं आएगा, या मैथ्स और रीजनिंग का वेटेज ज्यादा रहेगा, इंग्लिश हिंदी या संस्कृत लैंग्वेज में से कुछ आएगा, ये सब कुछ का उत्तर मैं आपको दे दे रहा हूं। उससे पहले आप एक वीडियो देखिए, मैं वीडियो प्ले कर दे रहा हूं, इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। यहां पर ये आपके सचिव साहब हैं बीपीएससी के, और इनका आपको आवाज सुनाई दे रहा होगा थोड़ा सा, और इन्होंने साफ साफ इसमें बोला है कि आप देखिएगा। सब कुछ फ्रेमिंग हो चुकी है इनकी, तुरंत हम लोग उसका विज्ञापन का प्रारूप बनाए हुए हैं, उसका कैसे परीक्षा लेंगे, सारी योजना। दो मिनट आप देख लीजिए बस। अभी फाइनल जो कैबिनेट से मोहर लगी है सीटों को लेकर, जो रिक्तियां हैं रोस्टर क्या रोस्टर आना है, और फिर एकत्रित एकीकृत करके लगभग एक महीने का समय देंगे, और फिर एक महीने के जो फॉर्म भरने का उसके जस्ट एक महीना या डेढ़ महीने के अंदर में परीक्षा। देखिए एक डेढ़ महीने बाद फॉर्म का लास्ट डेट के एक डेढ़ महीना के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। एक महीने का समय देंगे आप, बहुत बड़ा समय देते हैं, और तत्काल में हम लोग जो परीक्षा का जो प्रश्न पत्र है, प्रश्न पत्र के बारे में बता रहे हैं, उसकी हम लोग पहले से कैलकुलेट कर लिए हैं कैसे क्या करना है, और जैसे ही हम लोग हो जाएगा जुलाई स्तर पर हम लोग इसकी कार्रवाई करेंगे। क्या लगता है कोई टारगेट आप लोगों ने रखा है, कोई कैलेंडर इंटरनल जारी किया गया होगा कि आखिर विज्ञापन कब जारी करना है, कब जारी करना है, कब सौंपे? जैसे ही हमको दिया पन और एक महीना के बाद जो मैंने लेने के लिए, यानी ये माना जाए कि मई के आखिरी सप्ताह तक हो सकता है। श्योर, ठीक है। तो ये पूरा वीडियो है, मैं आपको दिखाऊंगा, आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में देख लीजिएगा। रही बात सिलेबस क्या होगा, इन्होंने बोला है कि जो आपका हेडमास्टर में रहा है सिलेबस, बीपीएससी ने उसको भी कंडक्ट कराया था, और एक बात इन्होंने और बोली है कि उसमें जो आपका निगेटिव मार्किंग थी वो निगेटिव मार्किंग यहां पर नहीं होगी। आपको यह सिलेबस दिख रहा होगा, मैं आपको सिलेबस दिखा दे रहा हूं कि जो निगेटिव मार्किंग थी
बीपीएससी में जो प्रधान अध्यापक का एक तरह से हेडमास्टर वाला पेपर हुआ था उसमें आपकी निगेटिव मार्किंग थी, तो वो निगेटिव मार्किंग आपको यहां पर नहीं होगी, ये ध्यान रखिएगा। और सिलेबस में आपका जीएस सामान्य अध्ययन के 1 से 5 तक का जो है ना लेवल, 1 से कक्षा 5 तक में सामान्य अध्ययन आएगा, जो प्रधान अध्यापक का बोला गया है कि एक तरह से जो 100 टोटल ये 150 नंबर का पेपर आता है, 150 नंबर का पेपर होता है, 150 क्वेश्चन होता है और 150 अंक होता है, इसके मार्क्स होते हैं। अब इसमें होता क्या है कि 100 क्वेश्चन आपके जीएस के होते हैं और 50 क्वेश्चन आपके एजुकेशन से होते हैं, मतलब सीडीपी चाइल्ड साइकोलॉजी बोल सकते हो आपको, ये बीएड वाला होता है, इसको बोला जाता है बीएड के अकॉर्डिंग, या आपका डिप्लोमा वाला जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन पूछा जाता है, एक चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी से क्वेश्चन ये रहता है आपके 50 क्वेश्चन। तो अभी इन्होंने यही कहा है कि ऑलमोस्ट इसी के अकॉर्डिंग आपका सिलेबस होगा, जीएस तो होगा ही होगा 1 से 5 तक, बाकी आपके 6 से लेकर 8 तक, 9 से 12 तक, इन सब के एग्जाम में, इनके जो एग्जाम होंगे सबके नोटिफिकेशन अलग अलग होंगे, सबका जो है एग्जाम अलग अलग होगा, सिलेबस में डिफरेंसेस मिलेगा। इसमें आपका जीएस तो रहेगा, इन सब में जीएस रहेगा, लेकिन जीएस के साथ सब्जेक्ट भी पूछा जाएगा, इनका कहना है जीएस के साथ हम सब्जेक्ट का नॉलेज भी पूछेंगे, लेकिन प्राइमरी में यह सब्जेक्ट की कोई बात नहीं की है। तो ऑलमोस्ट प्राइमरी का यही मानना है कि आपका जीएस का सिलेबस रहेगा, आपको ये जो सिलेबस में दिखा रहा हूं ये रहेगा, और हो सकता है आपके शिक्षा शास्त्र से क्वेश्चन पूछा जाए। तो चलिए अभी पहले हम जीएस के सिलेबस के बारे में यहां देख लें। तो यहां पर देखिए सामान्य विज्ञान है, आपको उन्होंने बोला है कि जनरल साइंस रहेगा और जीएस रहेगा, तो ये सामान्य विज्ञान में आपका सब कुछ आ जाता है। फिर राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय महत्व समसामयिक घटनाएं आ जाएगा, भारत का इतिहास और बिहार इतिहास की मुख्य विशेषता, भारत के इतिहास में और बिहार के इतिहास की मुख्य विशेषता आपको बताना है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन जो एक मॉडर्न इंडिया एक तरह से बोला जाए उसमें बिहार का योगदान क्या रहा है, मतलब सब कुछ आपको बिहार के परिपेक्ष में पढ़ना है, यह ध्यान रखिएगा। भारतीय राजव्यवस्था, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये जब जितनी चीजें हैं, चाहे आप अर्थव्यवस्था पढ़ लो चाहे राज्य व्यवस्था पढ़ लो, सब में आपको बिहार का योगदान देना है, बताना है, वही चीजें यहां पर डिटेल में बता दिया है। सामान्य विज्ञान के अंतर्गत दैनिक अनुभव तथा प्रेक्षण संबंधी ये सब कुछ चीजें बता दी गई है यहां पर। राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय वर्तमान की घटनाएं और बिहार से रिलेटेड आपकी जितना भी करेंट न्यूज है उनको आपको जरूर कवर करना है। साथ ही साथ यहां भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में 19वीं शताब्दी से पूर्ण स्थान स्वरूप राष्ट्रीयता और विकास तथा स्वतंत्रता प्राप्ति के संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे और इसमें भी बिहार का योगदान क्या रहा है वो भी आपसे पूछा जाएगा। भूगोल में भारत तथा बिहार के भूगोल के बारे में बोला गया है, विशेष आपको ध्यान देना है। तो हर जगह आपको जैसे यूपी में होता वैसे ही बिहार में, और ये चीज कहीं ना कहीं बिहार वाले बच्चों के लिए आसान है क्योंकि बिहार के बच्चे जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं उन्हें बिहार तो पढ़ना ही होता है, जैसे यहां यूपी के लिए होता वैसे बिहार के स्पेशल नॉलेज उनके पास होती है, तो ये एक उनके लिए प्लस पॉइंट है। और प्लस पॉइंट ये है कि सिर्फ बिहार के ही बच्चे इसमें भाग ले सकते हैं, बीपीएससी की तरह सभी नहीं ले सकते हैं। तो इस टीचर वैकेंसी की एक प्लस पॉइंट ये है कि बिहार वालों बच्चों के लिए एक सुनहरा मौका है, अच्छे खासे आपके पास सीट हैं, आप इसमें आप अपना एक सीट सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपको एक गवर्नमेंट जॉब, आप राज्य के कर्मचारी बिहार के कहे जाएंगे अब से, जब से ये नई शिक्षक जो है बहाली हुई है। तो ये आपका सिलेबस है, बहुत ज्यादा ऐसा कुछ सिलेबस नहीं है, जनरल जो आपने बीपीएससी की तैयारी करते होंगे वही है, और जो लोग आपके हेडमास्टर का एग्जाम दिए होंगे वो बहुत खूब इससे वाकिफ होंगे कि ये सिलेबस कैसा है। रही बात शिक्षा शास्त्र की, तो शिक्षा शास्त्र के बारे में मतलब जो सीडीपी वाला पोर्शन है, अभी ऐसा उन्होंने कुछ बयान में नहीं बोला था, उन्होंने यही बोला था कि जीएस तो रहेगा ही रहेगा अब शिक्षा शास्त्र, और ये बात जरूर बोल दी थी कि जो हेडमास्टर का सिलेबस रहा है वही रहेगा, ऑलमोस्ट उसी से मिलता जुलता हम डिजाइन करेंगे। तो चांसेस यही है कि शिक्षक का है तो शिक्षा शास्त्र होना चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, तो आप लोग यही मान के चलो कम से कम अभी जीएस की तैयारी तो स्टार्ट कर दो। इसके लिए परीक्षा प्लस टीम जो है आपको एक डेडिकेटेड बैच
चला रही है, जिसे आप परीक्षा प्लस यूट्यूब चैनल से देख सकते हो, उसकी डिटेल जानकारी ले सकते हो। आप टेलीग्राम की लिंक दी गई है इस वीडियो के उससे डिस्क्रिप्शन में, उससे आप लोग जुड़ जाइए, वहां पे आपको पूरा डिटेल बिहार के सेवेंथ फेज के बैच के बारे में बता दिया जाएगा। और सबसे बड़ी बात कि यहां पर कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, इन्होंने सचिव साहब ने साफ साफ बोला है कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए कि मई में आपका अगर हम बात करें, ये देखिए यहां पर इंग्लिश में वही चीज है, ये विज्ञापन है जो किसका विज्ञापन है, ये प्रधान हेडमास्टर वाला विज्ञापन है, और इसमें साफ साफ लिखा है कि जो लिखित परीक्षा थी वो 100 अंक की थी, ठीक है, जिसमें क्या पूछा गया था, देखो जो 100 अंक था वो सामान्य अध्ययन का था 100 अंक, और बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक आपसे पूछे गए थे, ठीक है, बीएड कोर्स से संबंधित 50 अंक, वही शिक्षा शास्त्र वाला मैं बात कर रहा हूं, वो चीज आपका सीडीपी वाला पोर्शन 50 पूछा गया था, ये ध्यान रखिएगा। तो इसी के तर्ज पर नया सिलेबस आएगा, जीएस तो रहेगा, ये कंपलसरी है, आप लोग 1 से 5 तक जितने लोग तैयारी करना चाहते हैं वो स्टार्ट कर दें। तो ये मैं पुराना जो विज्ञापन है एक तरह से बोलूं कि हेडमास्टर वाला, वो मैं आपको दिखाया हूं। सेवेंथ फेज, बिहार सेवेंथ फेज से लेकर कोई भी आप लोगों के समस्या है तो जरूर इस वीडियो के कमेंट में कह दियो, पूरा कोशिश कर जाए कि आपके समस्या का समाधान किया जाए, जो भी समस्याएं होंगी। और जैसा मैंने आपको बताया कि सेवेंथ फेज से लेकर कि परीक्षा प्लस टीम जो आपका परिवार है वो आपके लिए एक बेहतरीन कोर्स लेकर आया है, जिसकी डिटेल आप परीक्षा प्लस टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन होकर प्राप्त कर सकते हैं। जैसे ही हमें और कुछ खबर मिलेगी बिहार के सेवेंथ फेज के बारे में, नोटिफिकेशन इसी माह के अंत तक आ जाएगा, तो इंतजार मत करिए, बस अपनी तैयारी को धार दीजिए, तैयारी अपनी करते रहिए। तो जैसे ही हमें कोई और नोटिफिकेशन क्या और जानकारी मिलती है जरूर हम आपके सामने आएंगे। इसी के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।